एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिवाइज़ करना स्टार्ट किया है। तो आज के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, वो रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। जैसे कि हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था हमने चिनाब वैली डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट बात करें तो हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन और डिस्ट्रिक्ट डोडा को डिस्कस किया, और आज के टॉपिक में हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के बारे में जानने वाले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप इसके रिलेटेड याद रखेंगे कि एक चिनाब वैली डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से चिनाब निकल के आगे बहता है। तो बात करें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, कब बना यह डिस्ट्रिक्ट? ये डिस्ट्रिक्ट बना 2007 और 8 में। उससे पहले ये पार्ट हुआ करता था किसका? डोडा डिस्ट्रिक्ट का। और अब ये डोडा से अलग होकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना है 2007 और 8 में। बात करें इसकी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इसके रिलेटेड याद रखने हैं आपको, वो क्या याद रखनी है कि ये एक लार्जेस्ट और लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे पास कि जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें। और लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे लैंड ऑफ सेफायर एंड सेफ्रॉन भी बोला जाता है। वैसे तो सेफ्रॉन सबसे ज़्यादा पाम्पोर में पाया जाता है, बट इसे लैंड ऑफ सेफायर और सेफ्रॉन भी बोला जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इस पॉइंट को भी आप जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से होके निकलते हैं, वो है रिवर चिनाब और रिवर मरुसुदार। ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। मरुसुदार की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है किस चीज़ की? चिनाब रिवर की। तो चिनाब रिवर के बारे में थोड़ा अगर डिटेल में जाएँ तो चिनाब रिवर को असिकनी भी बोला जाता है ऋग्वेदा में। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बारालाचा ला पास से ये ओरिजिनेट होता है। और मरुसुदा रिवर की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? नुनकुन ग्लेशियर, जो कि कहाँ है? वारवन वैली में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी कौन सी रिवर? रिवर मरुसुदार। और ये दो इम्पॉर्टेंट मेन रिवर्स हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के साथ, डोडा के साथ, और उसके अलावा ये स्टेट बॉर्डर भी शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ और करगिल के साथ। क्योंकि नेक्स्ट बात करेंगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क की। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। क्यों इम्पॉर्टेंट बनती है? क्योंकि किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसलिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें तो स्नो लिपर्ड जो है यहाँ पर मेन अट्रैक्शन रहता है हमारे किश्तवाड़ नेशनल पार्क का। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पावर प्रोजेक्ट्स की। किश्तवाड़ में जो है बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स। इनमें से कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्किंग में है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए और अब वो बनने जा रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो वो डिटेल में अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में चाहता हूँ कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के बारे में हमें हर एक चीज़ यहाँ पे कोशिश की है इसमें इंक्लूड करने की। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताएंगे, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स जो है वो भी वहाँ से उस चीज़ को कवर कर पाएँ। तो जितने भी यहाँ पे किश्तवाड़ के स्टूडेंट्स होंगे तो वो ज़रूर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर किसी चीज़ को हमने मिस किया है। तो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट, जो कि किस पे बना है? रिवर चिनाब पे बना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें कवर की हैं कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं और कौन सी रिवर पे बने हैं। सेकेंड वन की बात करें तो रैटल, जो कि रिवर चिनाब पे है। किरथाई की बात करें वो भी रिवर चिनाब पे है। कीरू की बात करें वो भी रिवर चिनाब पे है। और कवर की बात करें तो वो भी रिवर चिनाब पे है। तो ये पांच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है रिवर चिनाब पे और कहाँ पे हैं? डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे मरुसुदा रिवर की। तो बुरसर पावर प्रोजेक्ट जो है वो रिवर मरुसुदार पे है, और पक्कल दुल जो है वो भी वो रिवर मरुसुदार पे। और ये पक्कल दुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट है अगर हम बात करें कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी में जो है पक्कल दुल जो है वो लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में लाई करते हैं। फिर आगे बढ़ें तो बात करें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। तो कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, जैसे कि सिंथन टॉप हो गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को जोड़ता है अनंतनाग के साथ। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे चंदीमा टेंपल। नेक्स्ट बात करें तो सेफ्रॉन वैली। तो सेफ्रॉन जैसे कि पंपोर में ज़्यादा पाया जाता है, बट सेफ्रॉन वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है, तो इसलिए इसमें ना कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान, तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सेफायर माइंस जो है, उसके अलावा मुगल मैदान में भी इंसान डाउट में पड़ जाएगा, कश्मीर की तरफ चला जाएगा, बट ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है। मचेल वैली, ज़ियारत शाह असरारुद्दीन,
और मचेल टेम्पल, जैसे कि मचेल यात्रा जो है वो भी कहाँ पे निकाली जाती है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में निकाली जाती है। तो ये था किश्तवाड़ के बारे में एक छोटा सा रिवीजन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आपको ये सारी की सारी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहाँ पर डेली बेसिस पर हम आपके लिए क्विज लेके आते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।